एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली धमकी कांड पर सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल्ली धमकी कांड पर खुलासा क्या है वो हम आपको बताएंगे। खबर ये आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि विदेश से धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, एक ही आईपी एड्रेस से ये मेल भेजे गए हैं। जांच एजेंसी को ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने का शक है। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। शक है कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये साजिश किसकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ब्लास्ट करने की साजिश थी तो ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन अगर ये सिर्फ डर बैठाने के लिए है तो भी ये बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये बात छोटे बच्चों से जुड़ जाती है। और हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ श्वेता श्रीवास्तव जुड़ी है। मैं सबसे पहले मोहित आपका रुख करता हूं, क्योंकि सुबह से जब ये हमने खबर ब्रेक की तब से आप लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी तक क्या पुलिस के पास लीड मिल पाई है इस पूरे ईमेल को लेकर, क्योंकि उपराज्यपाल ने भी इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी और खबर ये आ रही है कि जिसने ईमेल भेजा है हो सकता है कि उसका सर्वर विदेश में हो। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक जो खबर सामने आई है उसमें ये सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है कि 60 से ज्यादा स्कूलों को इस तरीके का ईमेल भेजा गया था, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अधिकतर स्कूलों को आउट ऑफ डेंजरस बता दिया गया है, यानी वहां पे जो पुलिस का प्रशासन पहुंचा था या अन्य टीम्स पहुंची थी वो टीम्स अब वापस जा चुकी है। किसी तरीके का पैनिक अब कोई नहीं है, सबसे बड़ी राहत की बात यह है। लेकिन अब इस मामले में जांच तेज की गई है, जांच की जा रही है कि आखिरकार ये मेल किसने भेजा, क्योंकि एक कंटेंट का मेल 60 से ज्यादा स्कूलों में भेजने का मतलब है कि एक इसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी, इन स्कूलों के बारे में जानकारी ली गई थी, क्योंकि लगभग दिल्ली के सभी अपने अपने जिलों के टॉप स्कूल है। बात करें संस्कृति स्कूल की, जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं तो दिल्ली के टॉप 5 स्कूल के अंदर ये स्कूल आता है, जिसमें ना सिर्फ आम लोगों के बच्चे बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। और ऐसे स्कूलों के अंदर अगर मेल जा रहा है तो एक अपने आप में बड़ा सीरियस थ्रेट है। अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जांच दी गई है, जिसने पता लगाने की कोशिश की है कि जिस आईपी एड्रेस से यह मेल भेजा गया है हो सकता है कि उसका सर्वर विदेश के अंदर हो और वहां से यह पूरी साजिश रची गई हो। लेकिन एक ही टाइमिंग के अंदर जिस तरीके का मेल भेजना, यानी कि सुबह के वक्त जब स्कूल में बच्चे जाएंगे तो वहां पे एक पैनिक माहौल बनाना, यानी कुछ भगदड़ मच सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती थी यहां पर जिससे कोई अप्रिय घटना घट सके। लेकिन ऐसा कोई पैनिक नहीं हुआ, कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, इसमें दिल्ली पुलिस और जो मौजूदा प्रशासन था मुस्तैदी से उन्होंने काम किया। लेकिन बहुत बड़ा सवाल मोटिव को लेकर है मोहित, क्योंकि अगर एक साथ इतने सारे स्कूलों को मेल भेजा गया तो जाहिर बात है कि उसकी इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा की गई होगी और इसके पीछे हो सकता है कि कोई बड़ा मोटिव भी हो। मैं आपका रुख करता हूं, गौरव आप जहां पर मौजूद है वहां पर उस स्कूल में अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्या यहां से भी पूरी तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ चुकी है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुकी है? क्या स्कूल को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल के बाहर मौजूद है और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम आई थी वो यहाँ से निकलकर अपनी जांच पूरी कर जा चुकी है। हालांकि स्कूल को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया और स्कूल मैनेजमेंट के कुछ लोग ही यहाँ पर अंदर इस वक्त मौजूद हैं। मौके पर जो पुलिस थी वो भी अब लगभग यहाँ से जा चुकी है। स्थानीय जो SHO है वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। तो सभी पूरी तरह से स्कूल को खाली करा दिया गया। सुबह के वक्त पैनिक जरूर हुआ था जब बच्चे यहाँ पर स्कूल पहुंचे थे, आनन फानन में माता पिता जो है यहाँ पर पहुंचे और अपने बच्चों को लेकर जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है, सब कुछ शांत है और तस्वीर यही है कि अब लगभग जो धमकी भरे ईमेल सुबह के वक्त मिले थे सभी जगहों पर। मैं रोक रहा हूं,